हेलो फ्रेंड, मेरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हो। अभी बज रहे हैं शाम 7:10 और बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर। मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया। बहुत गर्मी तो इतनी थी ना मत पूछे, लेकिन हाँ कल रात से ही रात में हल्की सी बारिश हुई थी, उससे भी थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ। और आज भी, और मैं देखे यहाँ से गंजी हो गई, मतलब बाल मेरे सारे झड़ गए और लाइट भी चली गई, और लाइट सिर्फ अपनी गई अंशु। तो हमारी लाइट है वो चली गई। मेरा जब तक बारिश नहीं बंद होगी लाइट सही नहीं करूँगी। लाइट वगैरह अंदर फालतू में जल रही है। बहुत तेज़ बिजली चमक रही, इसका मतलब बारिश बहुत तेज़ आएगी। मतलब आएगी क्या, आ रही है। मैं इधर सब्ज़ी गर्म कर रही थी, सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी, तो सब्ज़ी भी अच्छे से गर्म हुई नहीं है, बट कोई बात नहीं, इतना नहीं। और यहाँ पर मैं बना रही, ये भी नहीं बन पाई, दूध की पिट्ठी इसे कहते हैं। दूध में ना मैदे मैदा हो, आटा हो, कुछ भी हो, चाहे चावल का आटा हो, उसकी पिट्ठी बना कर डालते हैं पतली पतली सी, और उसको उसमें दूध में पकाते हैं। तो मैंने मैदे की बनाई है। और यहाँ पर नारियल किशमिश से पूरा था घिस के रखा है, थोड़ा सा काटी भी हूँ। और ये है पोहे का, पोहा बनाऊँगी इसका, तो उसका अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया इसको बहुत अच्छे तरीके से। बस अब हस्बैंड आएंगे तो उन्हीं का वेट कर रही हूँ, वो कब आएंगे तो फिर हम बनाएंगे गरम गरम। और मैंने अपने लिए बनाया है चावल, क्योंकि मुझे पसंद है चावल, तो दूध पिट्ठी में बनाकर खा लूँगी थोड़ा सा भी, क्योंकि खाया जाता है, थोड़ा सा खाऊंगी मैं। देखना सुन, मिर्ची में तो क्या किया, सारा मिर्ची बिखेर दिया बेटा तू। ये मैंने मिर्ची सुखाई है तो नहीं डालूंगी, तो डाल दूंगी काली पड़ जाएगी, काली पड़ रही है बिना धूप के। फिर मैं इसका वेट करूंगी कि कितना वेट है, कि मुझे सुखाने से फायदा होता है या नुकसान होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मिर्ची को लेकर सुखाने से कुछ फायदा होता है ना। तो चलिए इस ब्लॉग में ऐड करती हूँ, मिलती हूँ ब्लॉग में। कपड़े भी सूखते हैं, मारने मन नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं हो रही है, थकान थकान सी लग रही है। चलिए मिलूंगी आपसे। Bye-bye, take care.